नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके रफ्तार चैनल पर। सीईटी कोरेक्शन को लेकर जो रात में नए नोटिस जारी हुए हैं उनको लेकर जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ यूट्यूब पर गलत जानकारी भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। कुछ का कहना है कि दो फॉर्म जमा करवाने हैं कि एक और फॉर्म जो आपने कोरेक्शन का लिंक खोला था उसके अंदर मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक ही फॉर्मेट दिया गया है, नो जॉब और इनकम वेरिफिकेशन दोनों के लिए एक ही फॉर्म है, उसी को आपको अपलोड करना है। किन्हें अपलोड करना है उस पर भी बात करेंगे, क्या सभी को करना है। उससे पहले आपको बता दें कि जिन कैंडिडेट के आगे प्रोविजनल लिखा हुआ है और फाइनेंशियल ईयर इसके अंदर दिए गए हैं 2021 और 22, कैंडिडेट जिन्होंने 38 अंक प्राप्त कर लिए हैं, कम से कम जो 38 अंक का क्राइटेरिया दिया गया था, और साथ में वो हरियाणा का निवासी हो, और फाइनेंशियल ईयर दिए गए हैं इसके अंदर 2021 और 22 और 2022 और 23, 21, 22, 22, 23, इन सालों के अंदर अगर आपकी इनकम 1,80,000 से कम है तो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर इनमें आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है, चाहे आपकी कोई जॉब लग गई हो उसके कारण इनकम ज़्यादा हो गई हो, तो आपको दावा छोड़ना होगा 5 अंकों का। अगर इनमें भी आपके 1,80,000 से कम बन रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भरकर अप्लाई करना होगा। सभी कैंडिडेट को ये नहीं भरना है, केवल उन्हीं कैंडिडेट को भरना है जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कम या तो अंक कटाने हैं या आपको लेने हैं या फिर आपके आगे प्रोविजनल लिखा हुआ आ रहा है, केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए है, सभी के लिए ये नहीं है। ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इस फॉर्मेट के अंदर दोनों पॉइंट क्लियर किए गए हैं कि आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और साथ में 1,80,000 से आपकी इनकम कम होनी चाहिए 2021-22 और 22-23 में। तो ये दोनों फॉर्मेट इसी एक के अंदर दिए गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ केवल ये एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, इसको भर के जमा करना है और इसके अंदर नीचे आपके साइन डेट प्लेस लिखना है और इसके अंदर कुछ नहीं है। सबसे पहले आई के बाद आप अपना नाम लिखेंगे, सन या डॉटर लिखेंगे, एज लिखेंगे, आपका रेजिडेंस कहाँ है वो लिखेंगे, उसके बाद जो आपका PPP यानी फैमिली आईडी नंबर, और यहाँ चौथे कॉलम के अंदर आप लिख देंगे अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड या वोटर कार्ड नंबर। ये लिखने के बाद आपको इसे जमा करवाना है 5 अंक लेने के लिए। अगर छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई जो है लगाने की फॉर्म वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर आप क्लेम छोड़ सकते हैं सीधा का सीधा, उसके अंदर किसी प्रकार के फॉर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी एक जो पहले समस्या थी वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया है कि फैमिली आईडी के अंदर आपके घर में जॉब नहीं है उसके अंदर बहन को नहीं गिना जाएगा या विवाहित भाई को नहीं गिना जाएगा, लेकिन विवाहित भाई अगर साथ में रह रहा है, फैमिली आईडी एक है, तो उनकी 1,80,000 से इनकम ज़्यादा हो चुकी है। इसका अभी तक कोई सोल्यूशन HSSC ने नहीं दिया है। बाकी जिनकी अन्य जो प्रॉब्लम थी उनका सभी का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।